Hello everyone. Today we will be doing question number 3 from exercise 1.3. Question is, you have to find a rough estimate of these following product. है ना, यहाँ पे कुछ multiplication के numbers हैं, तो भाई इतने बड़े numbers इनका multiplication will take some time. तो हम क्या करेंगे, एक rough estimate निकालेंगे इसका. तो यहाँ पर ये number देखिए, कितनी इसकी last digit है, 1s 10s 100. ये 100 place तक है और ये number भी 1s 10s 100 तक है. तो इसका मतलब 578 जो है वो राउंड ऑफ होके क्या बनेगा, या तो 500 बनेगा या फिर 600 बनेगा. ठीक है, तो ये नंबर है 578. इसका मतलब क्या हुआ कि ये 550 से बड़ा है ना, तो ये नंबर क्या बन जाएगा हमारा, 600 बन जाएगा. ठीक है, नाउ हियर वी हैव द नंबर एज 161. अब देखिए 161, या तो दिस विल बिकम 100 या फिर 200. ये नंबर 150 से बड़ा है. ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है 150 से बड़ा है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा आपका, 200. तो मैं 200 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी. 2 6 12, कितने जीरो से यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द बी पार्ट. बी पार्ट में क्या करना है, वी हैव द नंबर एज 5281 इंटू 3491. इसका लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर, ये है 5000 प्लेस, ये 3000. तो इसका मतलब ये पूरा नंबर, या तो दिस नंबर विल बिकम 5000 राउंड ऑफ होके, या फिर दिस नंबर विल बिकम 6000. अब आप ये देखिए, ये नंबर जो है 5500, जिसका सेंटर मिडिल पॉइंट है उससे छोटा है ना, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 5000 बन जाएगा. तो मैं लिखूंगी एल राइट 5000 इंटू, अब यहां पर है हमारे पास 3491, या तो ये नंबर बनेगा 3000 या फिर ये नंबर बनेगा 4000. तो आप देखिए 3491 है, अब ये 3500 से तो छोटा ही नहीं वाला नंबर, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा, 3000 बनेगा. क्लियर, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0. क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द सी पार्ट. अब चलिए सी पार्ट करते हैं. हम सी पार्ट में है हमारे पास 1291 इंटू 592, लास्ट प्लेस है यहाँ पर 1000. तो इसका मतलब या तो ये नंबर 1000 बनेगा या फिर ये नंबर क्या बनेगा, 2000. नंबर इज 1291 है ना, तो ये नंबर 1500 से देखिए छोटा है कि नहीं, 1500 सेंटर पॉइंट ही है उससे छोटा है, तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 1000. क्लियर, दिस इज 592, तो लास्ट में इसके 500 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर या तो 500 बनेगा या 600 बनेगा. ये है हमारे पास 592. तो आप बताइए 92 अगर है तो 92 किसके क्लोज होगा, 600 के 500 के. ऑब्वियसली अगर मैं इसमें सिर्फ 8 ऐड कर देती हूँ तो ये 600 बन जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 1 6, 1 2 3 4 5. ठीक है, दिस विल बी द आंसर फॉर द सी पार्ट. नाउ मूविंग टू द डी पार्ट. अब हम डी पार्ट करते हैं. डी में हमारे पास नंबर है 9250, मल्टीप्लाई करना है इसमें 29. तो आप ये देखिए यहाँ पे लास्ट प्लेस क्या है, 1 10 100 1000. तो या तो ये नंबर 9000 बनेगा या फिर 10000 बनेगा. नंबर है 9250, ये नंबर तो 9500 से कितना छोटा है ना, तो ये नंबर क्या बन जाएगा हमारा, 9000 राउंड ऑफ होके. हियर वी हैव द लास्ट डिजिट एज 2 है ना, तो ये या तो 20 बनेगा या फिर 29 के 30 बनेगा. तो आप बताइए किसकी क्लोज है, 30 के क्लोज है, तो मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. 3 9s are 27, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस विल बी द आंसर फॉर द डी पार्ट. इसमें ये कह रहे हैं कुछ और एग्जांपल बनाइए, तो आप किसी भी नंबर को, सपोज आप 780 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 89 से, वो करके देखिए, कोई भी नंबर लीजिए उसको करके देख लीजिए. ठीक है, हियर वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.